गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने संगारित्र के बारे में पढ़ा था और उसका संगारित्र का सिद्धांत हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम संगारित्र के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। संगारित्र के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ध्यान रखना, संगारित्र हमेशा तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है समांतर प्लेट संगारित्र, दूसरा जो है गोलीय संगारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संगारित्र। तो आज हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संगारित्र की, ठीक है। समांतर प्लेट संगारित्र जो है, ठीक है, इसके भी अलग अलग भाग होंगे, तो वो उसके पार्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं समांतर प्लेट संगारित्र। समांतर प्लेट संगारित्र में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में दो प्लेटें होती है, दोनों प्लेटें आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। यहाँ पर पहली प्लेट मेरे पास में एम है और दूसरी प्लेट मेरे पास में है N। बात समझ में आ रही है, दोनों प्लेट आपस में क्या है, समांतर है। ये जो प्लेटें आप देख रहे हैं M और N, ये दोनों प्लेटें आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि M प्लेट को मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, धनात्मक आवेश दे रहा हूँ, तो वो धनात्मक आवेश इसके चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विद्युत प्रेरण के कारण, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके दूसरी प्लेट के आंतरिक सिरे पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और बाहरी सिरे पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भूसंपर्कित कर रहा हूँ, तो धनात्मक आवेश क्या हो जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, समांतर प्लेट संगारित्र दो विपरीत आवेश युक्त समान आकार की चालक प्लेटों का एक संयोजन होता है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी होती है इसमें, स्मॉल डी। दोनों प्लेटों के जो मध्य की दूरी है वो हम कितनी ले रहे हैं, स्मॉल डी। प्लेट एम को धनावेश दिया जाता है, तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के आंतरिक सिरे पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो तथा द्वितीय प्लेट के बाहरी सिरे को हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, ताकि बाहरी सिरे पर उपस्थित धनावेश कहां पर चला जाए, पृथ्वी में चला जाए। तो संगारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है, अर्थात संगारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान होती है। तो आवेश चालन प्लेट की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने दिया है समीकरण नंबर एक, जहां एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर आवेश का मान क्यू बटा क्षेत्रफल ए, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, समीकरण नंबर दो। समीकरण दो से सिग्मा का मान समीकरण एक में रखने पर, इसका मतलब ई बराबर यहाँ पर जो है सिग्मा है, इसकी जगह पर मैं क्यू बाई ए रख रहा हूँ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर तीन। चूंकि हमने विभव पढ़ा था, विभव वी बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता इंटू दूरी। नाउ V बराबर E इंटू डी, समीकरण नंबर चार। तो समीकरण तीन से E का मान रखने, समीकरण चार में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो E है, यहाँ पर मैं ये मान रख रहा हूँ, तो V बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली V हमारे पास में कितना आ जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। चूंकि धारिता जो होती है वो क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो Q V का मान आप यहाँ से समीकरण नंबर पाँच से यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V का मान मैंने यहाँ पर रखा है, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अब इस ये हमारी समांतर प्लेट के संगारित्र की धारिता आ गई, ठीक है। अब इसके रिजल्ट के थ्रू हम देख रहे हैं, जो सी जो है धारिता है हमेशा क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और धारिता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संगारित्र का डेरिवेशन करेंगे। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपसे ये पूछा जाता है।